नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ स्टॉक के ऊपर मैं वीकली चार्ट के ऊपर एनालाइज करने वाला हूं। तो दोस्तों कुछ स्टॉक है जहां पे काफ़ी अच्छा रुझान है और आगे क्या लेवल हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो शुरुआत करता हूँ BCL इंडस्ट्री से दोस्तों। तो BCL इंडस्ट्री का स्टॉक आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पे जब हमें ब्रेकआउट मिला था तभी हम ये रेजिस्टेंस जो लेवल था वहाँ से एंटर हुए 122 के लेवल से और अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही चल रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन हमें वीक टू वीक हमें रिटर्न मिला है और अभी तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हिट नहीं हुआ है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ हम इसमें बने हुए हैं और वीकली चार्ट है तो 3 महीने से लेके 8 मंथ की 12 महीने की अवधि के लिए इसको रेकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 195 का है तो वो लेवल वॉचआउट करना है। बट आप देखोगे कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आज काफ़ी ऊपर गया है बट दोस्तों अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 150 का अभी रख लेते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वहाँ पर अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पर आप निकल जाना, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लॉ का वेट मत करना, क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर वो तय करना कर पाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है और मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक है वो भी दोस्तों फूड सेक्टर का दोस्तों स्टॉक है, वो है फ्लैक्स फूड। दोस्तों मैंने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर 60 रुपीज़ से रेकमेंड किया है इसको और अभी ये 90 रुपीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल जो था उसको तोड़ दिया दोस्तों स्टॉक ने। ये 2018 में आप देखोगे ये जो कैंडल बना था तब हाई जो था वो 84 का था, उसके बाद 9 नवंबर में भी 86 का हाई बना बट क्लोज नीचे आया, उसके अलावा 15 जनवरी का जो हाई था उसके भी नीचे वहाँ पर 91 का हाई बना बट क्लोज नीचे हुआ, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि 26 फरवरी और कंटिन्यूस वही लेवल को दोस्तों रिस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक और ये बहुत ही गैप अप के साथ दोस्तों तोड़ा है। और ऊपर आप देखोगे कि आज ट्रेडिंग वीक में एक ही दिन हुआ है, आप वॉल्यूम देखोगे तो बेहतरीन हमें वॉल्यूम भी मिला है आज, तो वॉल्यूम के साथ दोस्तों गया बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। तो अगर ये लेवल को सस्टेन करता है तो और इसमें तेज़ी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए तो दोस्तों 140 लेवल के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा सिर्फ 100 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो टूट जाएगा तो और तेज़ी बनेगी दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ सुगर सेक्टर का एक स्टॉक है जो है बलरामपुर चीनी। बहुत सारे व्यूवर्स के दोस्तों मेरे को रिक्वेस्ट था कि सर इसके ऊपर एनालाइज करो, क्योंकि सुगर सेक्टर के बाकी सारे स्टॉक हमने काफ़ी अच्छा बेनिफिट कम मुनाफा कमाया बट ये चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है और लाइफ टाइम हाई पे है तो चार्ट के ऊपर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं लग रहा था। बट अभी बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट मुझे दिख रहा है, वो ये है दोस्तों कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। बट अगर मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, वो लाइन है आप देखोगे कि लास्ट 3 वीक से दोस्तों 292 का लो बनाया है, 293 का लो बनाया और 291 का, यानी कि अगर हम 291 का लो को पकड़ के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पकड़ के चलते हैं तो बहुत ही हमें 3 वीक का सपोर्ट मिल रहा है और ये वीक भी करंट का क्या मूवमेंट रहता है, तो 291 का स्टिक स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेडिंग और पोजिशनल कॉल बना सकते हैं। और दोस्तों जो नया जो बाइंग मूवमेंट हमें करना है वो वहीं पे करना है जहाँ पे दोस्तों स्टॉक 320 के आसपास जहाँ पे उसका क्लोजिंग अबव आ जाए तभी हमें इसमें मूव करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्सोलिडेट हो रहा है दोस्तों। और आप देखोगे कि प्रीवियस भी 3-4 वीक का कैंडल था, सेम मूवमेंट चल रहा था, आप देखोगे सेम चल रहा है हाई के बाद, तो पॉसिबल है 1 या 2 वीक के बाद हमें अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन टारगेट के साथ इसमें बने रह सकते हैं दोस्तों। अब हम सीधा चलते हैं GSFC के ऊपर। GSFC फर्टिलाइज़र कंपनी है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन हमें इसमें मूवमेंट मिला है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जब चैनल जो मैंने बनाया था और जो चैनल का ब्रेकआउट मिला हमें ये वीक के अंदर, बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मिला और आगे भी दूसरे वीक में मुनाफा मिला। बट तब भी मैंने बोला था जब वीडियो बनाया था कि 120 का जो रजिस्टेंस लेवल है वो, और रेजिस्टेंस लेवल का आप देखोगे कि बहुत ही मल्टीपल दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो अभी भी दोस्तों इंटैक्ट है।
अब देखो जो हमारा चैनल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद भी दोस्तों स्टॉक है ना वहीं से ऊपर क्लोज होने में नाकाम रहा है दोस्तों। बट ट्रेंड पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और वीकली चार्ट के ऊपर अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हम 3 महीने से 12 महीने तक रखेंगे इसको। और अभी आप इसको ये जो ट्रेंड का जो चैनल का जो ट्रेंड है वो ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।